Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक? सब बढ़िया। आपका दोस्त सुमिंगो स्पीच से प्रेजेंट हो गया, यानी प्रकट हो गया। फ्रेंड्स, आज हम लोग ये वाली पतंग उड़ा रहे हैं और इसमें मॉल मंझा ऑलरेडी काफ़ी सारा बचा हुआ है, तो हम पतंग को उड़ा देते हैं। काफ़ी मस्त पतंग है फ्रेंड्स, भारी है ठुमक ठुमक करते हुए। फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी मांझा है, अगर आप ठीक से देखें इसके अंदर तो मांझा बहुत है। मेरे को फ्रेश मांझा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी रहेगा ये मांझा। पेच लड़ेगा कम से कम 350-400-500 मीटर पे। तो चलो कैमरा मैन, निकालो अपना काम झाम, निकालो अपना DSLR और उससे दिखाओ। देखिए फ्रेंड्स, ये पेच लड़ने लग रहा है और ये मेरा पेच नहीं है, पहले ही आपको बता दूं, ये किसी और का पेच लड़ रहा है। इसमें से जो पतंग बचेगी, दो में से एक कटेगी एक काटेगा, जो पतंग बचेगी उससे मैं लड़ाऊंगा। ये देखिए, काला वाला ऊपर से चढ़ के आया और ये उतारा, नीचे वाले ने भी तेज़ी से खींचा, बहुत तेज खींचा। ओह माय गॉड, नीचे वाले ने काट दिया काले वाले की पतंग। वो देखिए, काले वाले की पतंग जा रही है लुढ़कती पुढ़कती। जिस पतंग ने इस पतंग को काटा है फ्रेंड्स, अब उसके साथ मैं लड़ाऊंगा। वो देखिए, पेड़ के पीछे जा रही है, बहुत बढ़िया खींच के काट दिया। देखिए फ्रेंड्स, दूर आसमान में कबूतर कितने प्यारे लग रहे हैं उड़ते हुए, सब एक साथ। ये किसी के पालतू कबूतर हैं फ्रेंड्स। और ये जो आप ये व्यू देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये कम से कम यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। ये तो हमारे जो है कैमरे का कमाल है, जो बिल्कुल आपको खींच करके पास ला के दिखा रहा है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स, सारे के सारे कबूतर एक साथ उड़ते हुए, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए, अब मेरा पेच लड़ेगा और इस वाली पतंग से लड़ेगा, मैं ऊपर से लड़ाऊँगा। मैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ओपोनेंट राइट हैंड साइड पे है और मेरी पतंग ऊपर से लड़ेगी, ओपोनेंट की नीचे से लड़ेगी। फ्रेंड्स, ऊपर नीचे हो गया, वो नीचे से घुस करके आ गया बहुत तेज़ी के साथ। काटा 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 काटा, काट दिया फ्रेंड्स, काट दिया काट दिया काट दिया। वो देखिए, झूमती लहराती बलखाती हुई जा रही है फ्रेंड्स। इसने बीटर के मुड्ढे पे ऊपर चढ़ाने की कोशिश करी थी और जो आपने पहले पेच देखा था वो किसी और का पेच था फ्रेंड्स। और जिस पतंग ने फ्रेंड्स काली वाली पतंग को काटा था, फिर इस पतंग ने उसको काट दिया, अब मैंने इसको काट दिया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये जो पतंग उड़ करके जा रही है फ्रेंड्स, अब इससे मेरा पेच लड़ेगा और ये बहुत अच्छा लड़ाता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, बहुत ही बढ़िया लड़ाने वाला है। और ये काला और लाल चीड़ा पतंग है, यानी मुड्ढेदार पतंग है, बहुत अच्छा लड़ाता है। इससे लड़ा करके मज़ा आएगा, अब ये पतंग उड़ करके जा रही है फ्रेंड्स, मज़ा आएगा इससे लड़ा के। देखिए फ्रेंड्स, जो लाल और काला चीड़ा बढ़ के जा रही थी लड़ने के लिए फ्रेंड्स, अब वो लड़ने के लिए आ गई है। और मेरे को नीचे से लड़ाना है, ओपोनेंट को ऊपर से लड़ाना है। ओपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड पे है फ्रेंड्स, मैं राइट हैंड साइड से लड़ाऊंगा। अभी ऊपर नीचे हुआ नहीं है और नीचे वाली जो पतंग देख रहे हो मेरी, अब ऊपर नीचे हो गया फ्रेंड्स। ढीलम पे ढील, ढीलम पे ढील, ढीलम पे ढील फ्रेंड्स, पेच फंस गया है, ढीलम पे ढील चल रही है फ्रेंड्स। मैंने अपनी पतंग आसमान में चढ़ा ली है और वो काट दिया फ्रेंड्स, काट दिया काट दिया काट दिया काट दिया काट दिया। वो देखिए जा रही है, झुकती लहराती बलखाती हुई जा रही है, वो जा रही है फ्रेंड्स, पता नहीं किस शहर में जाके गिरेगी, बरेली में गिरेगी कि रामपुर में गिरेगी, लखनऊ में गिरेगी कि कानपुर में गिरेगी, पता नहीं कहाँ गिरेगी। वो देखिए फ्रेंड्स जा रही है, और मेरी पतंग फ्रेंड्स आसमान में चढ़ गई है। ये मेरी पतंग आसमान में, देखिए फ्रेंड्स फिर से पेच लड़ने लग रहा है और मेरी पतंग जो है नीचे वाली है और ओपोनेंट की पतंग ऊपर वाली है। ओपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड से, मैं राइट हैंड साइड से, अभी ऊपर नीचे हुआ नहीं, अब हो गया फ्रेंड्स, ऊपर नीचे हो गया है। और ये भी ओपोनेंट बहुत अच्छा लड़ाने वाला है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स पेच फंस गया फिर से, ढीलम पे ढील, ढीलम पे ढील, ढीलम पे ढील, ढीलम पे ढील। ओह माय गॉड फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा उसने जो है फंसे हुए पेच पे हाथ मार के काट दिया फ्रेंड्स। पेच तो ढीलम पे ढील का लग गया था, लेकिन फ्रेंड्स उसने कमाल कर दिया फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा पेच काट दिया, मतलब ढील के पेच में वो खींच मार गया, बहुत ही बढ़िया पेच काट दिया फ्रेंड्स। मेरी पतंग जा रही है झूमती हुई, लहराती हुई, बलखाती हुई।
बहुत अच्छी पतंग थी फ्रेंड्स, पर कट गई, कट गई तो कट गई, अब क्या करें, जा रही है झूमती हुई। बहुत अच्छा पेच काटा फ्रेंड्स उसने, फंसे हुए पेच पे हाथ मार के काट दिया, बहुत ही बढ़िया काट दिया उसने फ्रेंड्स। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा पेच काट दिया फ्रेंड्स, एक्सलेंट पेच, सल्यूट करता हूँ, क्योंकि ऐसे पेच के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको पेच समझाता हूँ, आज तो डमी है नहीं, डमी नीचे रह गया, तो फ्रेंड्स मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड से उड़ा रहा है उसकी पतंग, ऊपर से मैं राइट हैंड साइड से, मेरे नीचे से ऊपर नीचे हो गया फ्रेंड्स। मैंने क्या किया, मैंने खींच करके दिखाया कि मैं पूरा खींच करके ले जाऊंगा फ्रेंड्स, उसने डाउन कर दिया। लेकिन मेरा इरादा खींचने का नहीं था, मेरा इरादा यही था कि जैसे पिछला वाला पेच फंसा लिया तो ऐसे ही करने का। तो फ्रेंड्स मैंने चढ़ाया, तो फ्रेंड्स उसने भी क्या हुआ, ढीलम पे ढील लग गया। तो ढील का जब पेच चल रहा था फंसे हुए पेच पे, फ्रेंड्स उसने क्या किया, जैसे उसका पतंग का मुद्दा ये चपटा हुआ मेरी पतंग की तरफ, फ्रेंड्स वो खींच करके ले गया फ्रेंड्स। और मेरे को जब मौका था खींचने का, मैंने खींचा नहीं, लेकिन उसको मौका मिलते ही खींच के काट दिया, बहुत ही बढ़िया पेच काटा फ्रेंड्स। नाउ यू कैन सी आई एम सो लकी, पूरा मांझा बच कर के आ गया, एक भी इंच नहीं पकड़ में आया, पता नहीं दिखा नहीं क्या हुआ कि पेड़ के ऊपर से आ रहा था इसलिए शायद फ्रेंड्स बच कर के आ गया, नहीं तो किसी मकान के ऊपर से आता है ना तो फ्रेंड्स बचता नहीं है मांझा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है इस वाली पतंग उड़ा रहे हैं, और ये भी पतंग बहुत अच्छी है, मस्त पतंग है। तो इसका जब हम लोग सामने से मोड़ लें और इसका जो है फंदा भी लगा लें, तो फ्रेंड्स ये लगाया मैंने फंदा, तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको उड़ाते हैं और इसे भी काइट फाइटिंग करते हैं। पिछला पेच तो बहुत अच्छा काट दिया, और उससे पहले वाला पेच मैंने काटा था फ्रेंड्स। मैं आपको बताऊं कि जिस पेच में मेरे को उम्मीद थी कि मेरी पतंग कट जाएगी, तो फ्रेंड्स उसमें तो मैंने काट दिया, और जिस पे मैंने सोचा था कि मैं काट दूंगा तो उस पे ओपोनेंट ने काट दिया। बिल्कुल ये T20 मैचेस की तरह होता है, कभी पलड़ा इधर भारी होता है, कभी उधर भारी होता है। और ये चली मेरी पटियल पतंग, इससे कई फाइटिंग होगी फ्रेंड्स। और अभी मैं कैमरामैन को बोलता हूँ कि डीएसएलआर निकाले और दिखाए आपको पतंग। मैंने एक चीज़ गलती होगी फ्रेंड्स, मैंने बगैर चेक किए ही पतंग बना दिया, ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से। लग तो रहा है ठीक है, पता नहीं पेच में जाके देखूंगा, मांझे से खींच भी नहीं सकता। चलो अब डीएसएलआर निकालो और दिखाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स फिर से लड़ने जा रहे, और मेरी नीचे वाली पतंग है, और मैं राइट हैंड साइड से, ओपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड से, फ्रेंड्स ऊपर नीचे हो गया, मेरी नीचे वाली पतंग है फ्रेंड्स, ऊपर वाली ओपोनेंट की है। काइट फाइटिंग के अंदर फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता है, आप कट भी सकते हो, आप काट भी सकते हो। मैं भीतर घुसा उसके, उसने भी बहुत अच्छा फ्रेंड्स झोल पकड़ लिया मेरा, काफ़ी अंदर घुस करके आ गया, मैं भी काफ़ी अंदर घुसा हुआ हूँ उसके झोल पे। बचा के ले गया फ्रेंड्स, मेरे को बहुत अच्छा मौका मिला था, लेकिन उसने बचा लिया अपनी पतंग समझदारी दिखाते हुए। फिर से पेच लड़ेगा फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स फिर से मैं नीचे से घुस करके आ गया उसके, फ्रेंड्स उसने मेरे कन्ने पे से खींचने की कोशिश करी थी, मैंने डाउन करके बचा करके फिर से अंदर घुस करके आ गया फ्रेंड्स मैं। बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा चढ़ के आ गया फ्रेंड्स मेरे हाथ की तरफ। मैंने उसकी झोल काटने की कोशिश करी थी, बचा ले गया फ्रेंड्स, फिर से मैं घुस के आ गया अंदर, काट दिया फ्रेंड्स, काट दिया, काट दिया, काट दिया, काट दिया, काट दिया। वो देखिए झूमती हुई, लहराती हुई, बलखाती हुई जा रही है,
टांग दिया था फ्रेंड्स उसको मैंने, जैसे उसने भीतर का मुंह रखा मैंने ऊपर चढ़ा दिया फ्रेंड्स, काट दिया इस तरह से। जो पिछला वाला पेज काटा था ओपोनेंट ने उसी ओपोनेंट से फिर मेरा ये वाला पेज लड़ा फ्रेंड्स। वो इस बार भी चाह रहा था कि मैं इसको बुड्ढा उठा करके दूँ और वो चपटा खेल देगा, तेज हवा में भी चपटा खेल देगा, क्योंकि पिछले वाले पेज पे उसने फंसे हुए पेज पे काट दिया था। लेकिन फ्रेंड्स इस बार मैं उसको बुड्ढा ही नहीं दे रहा था, ये तो मैं इसको चेस कर रहा था, दौड़ा रहा था, ऊपर भाग रहा था और मैं चाह रहा था कि गद्दा मार दे। लेकिन फ्रेंड्स लास्ट में यही हुआ जो मैंने चाहा वही हुआ फ्रेंड्स, मैंने उसको ऊपर पतंग खींच करके दिखाया तो फ्रेंड्स उसने क्या किया, बाहर निकलने की जगह उसने इस बार खड़ा ही मार दिया फ्रेंड्स, और मेरे टाइट डोर थी और उसी पे उसकी रगड़ से कट गई फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स थोड़ी देर पहले मैं नीचे से पतंग लड़ा रहा था, तो नीचे से फ्रेंड्स पतंग लड़ाने में बहुत दिक्कत आती है, और मेरी चरखी रखी हुई है आप देख सकते हैं, ये पैडल वाली चरखी है फ्रेंड्स, इसमें दोनों तरफ पैडल लगा हुआ है, जैसे साइकिल में पैडल होता है ना फ्रेंड्स, उस तरह से पैडल लगी हुई है। अभी मैं थोड़ी देर पहले नीचे से पतंग लड़ा रहा था तो हुआ से फ्रेंड्स मैंने दो पेज काटा और फिर मेरी कट गई तो मैं छत पर आ गया। देखिए फ्रेंड्स फिर से लड़ने जा रहा है और मेरे को फिर से नीचे से लड़ाना है, ओपोनेंट को ऊपर से लड़ाना है। जो नीचे वाली पतंग जो बाहर की चक्कर ले रही है वो मेरी है, ओपोनेंट की पतंग अभी ऊपर है, अभी ऊपर नीचे हुआ नहीं है फ्रेंड्स। भीतर वाली जो चक्कर ले रही है लगातार, नीचे वाली पतंग मेरी है फ्रेंड्स, अब ऊपर नीचे पूरी तरह से हो चुका है फ्रेंड्स, बिल्कुल जगह नहीं दे रहा है और न ही डाउन कर रहा है फ्रेंड्स, काफ़ी दूर लड़ रहा है फ्रेंड्स ये पेच, जूम इन जूम आउट में आपको पता लग रहा होगा कि पेच काफ़ी दूर है। चढ़ा ली मैंने फ्रेंड्स, काट दिया काट दिया काट दिया काट दिया काट दिया फ्रेंड्स, बिल्कुल मैंने ऊपर चढ़ा करके फ्रेंड्स चक्कर दिया और चक्कर दे करके काट दिया फ्रेंड्स। वो देखिए बहुत ही मस्त पेस था, वो झूमती हुई जा रही है उसकी पतंग, और ये आखिरी पेच होगा शायद, इसके बाद पतंग उतारनी पड़ जाए फ्रेंड्स, काफ़ी दूर लड़ा था ये पेच। मेरी पतंग देखिए ये टनाटन आसमान में चढ़ाई फ्रेंड्स, अब शाम हो गया, अब हम लोग पतंग उतार रहे हैं, लेकिन और क्योंकि कैमरामैन को भी जाना है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं आप लोगों को बताइए, मैंने अपने 500 वीडियो के अंदर बोला हुआ है। देखिए फ्रेंड्स जब आप अपनी छत पे पतंग को उतार रहे हैं तो आप पतंग को कैसे उतारें फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दूँ अभी। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे अभी मेरी पतंग बहुत दूर है फ्रेंड्स, कम से कम 600 मीटर्स पे है, तो अभी मेरे को मांझा तक अगर इसको उतारना है तो मैं कैसे उतारूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स हम इसको उतारना शुरू करते हैं, ये देखिए आप मेरे बॉडी एक्शन को भी दिखाओ और जो सर्दी ज़मीन पे गिर रहा है, तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आप चलते जाइएगा अपने छत पे, एक जगह कभी भी जो है आप सर्दी को मत उतारिएगा, नहीं तो सारी आपकी सर्दी पे गुंजन पड़ जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स मैं लगातार इसको उतारता चला जाऊँ, मेरी पतंग काफ़ी दूर है फ्रेंड्स, और अब हम लोग को वीडियो बंद करना है, इसलिए जो है मैं इस तरह से पतंग को उतार रहा हूँ, और मांझे तक इस तरह से उतारने के बाद जो है मांझे को मैं चरखी पर उतार लूँगा। ये देखिए आप देखिए किस तरह से सर्दी छत पर अलग अलग जगह उतर लीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोग जब भी अपने पतंग को उतारें इसी तरह से उतारिए, एक जगह मत उतारिए, अलग जगह अलग अलग जगह सर्दी को बिखेर के उतारिए। फिर हमारी देखिए इसके एंड पे चरखी लगी हुई है, हम वहाँ से लपेट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स आसपास में चांद, कितना प्यारा चांद निकला है, और आज चांद एक नहीं दो सितारों के साथ निकला है, अगर आप ठीक से देखें तो आज चांद जो है अपने साथ दो सितारे लेके आए हैं। फ्रेंड्स फाइनली हमारी पतंग उतर आई है और बहुत मस्त पेज काट के उतरी है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मेरे चैनल का नाम है काइट फ्लायर फ्लेमिंगोस। बहुत जल्दी फ्रेंड्स आपको अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।